Assalamu alaikum, my name is Hira Ahmed and I'm again back with steps, 12 steps of recovery. So yes, we were doing step number 9 last time when we were together. So actually आज हम step number 10 से start करेंगे और उससे पहले मैं कहती चलूँ जो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि please do follow, like and subscribe my channel so that we can stay updated and stay in contact with each other. So moving on, before I call my guest speaker Dr. Talat, I would like to tell that yes, what is step 10 all about? So step 10 is all about taking personal inventory and admitting we were promptly wrong. So let me call Dr. Talat and start my discussion on step number 10. Dr. Talat, Assalamu alaikum. Ji, wa alaikum assalam. Sir, I hope you are fine. जी ठीक ठाक, थैंक यू सर. वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 9 लास्ट टाइम. आज हम स्टेप नंबर 10 को लेकर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं. तो स्टेप नंबर 10 बताती चलूँ कि है क्या टू माय ऑडियंस. इट इज़ कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री एंड व्हेन वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट. सो दो तरह की बात हुई है. एक वही पर्सनल इन्वेंट्री जो हम पहले से बना रहे थे और अब उसको हमने कंटिन्यू बनाना है. और वो कह रहा है कि जहाँ पे हम रॉन्ग थे उसे प्रॉम्प्टली एडमिट भी करना है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्टेप इज दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपडेटिंग दिस कंटिन्यूअस इन्वेंट्री, व्हाई वी नीड टू अपडेट इट नाउ. ट्रू. ज़िग ज़िगलर ने कहा था कि हमें रोज़ मोटिवेशन चाहिए होती है और उनको किसी ने कहा कि रोज़ कैसे मोटिवेशन हम ले सकते हैं. तो उसने कहा कि रोज़ आप बात भी तो लेते हैं, तो जब आप रोज़ काम कर सकते हैं तो आप मोटिवेशन भी रोज़ ले सकते हैं. इस तरह यहाँ जो नशे के मरीज़ से बात हो रही है ना, ये स्टेप 10 डायरेक्टली लिंक करता है स्टेप 4 के साथ. और स्टेप 4 की जो हमने बात की थी, स्टेप 4 में बड़ा क्लियरली था कि आप एक सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री बनाएंगे. मरीज़ को ये इन्वाइट किया जाता है कि वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के और सोच समझ के कॉन्शियस लेवल पे अपने पास्ट के वो इवेंट्स रिकॉल करे जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल हुआ. फैमिली में बहुत सारे हादसा हुए, फैमिली के अंदर बहुत सारे दिल टूटे, फैमिली के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई. और इन सारे मामलात में पेशेंट ने जो सबसे बड़ी चीज़ अपनी ज़ाया की है, उसमें उसने अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ ज़ाया की है. तो अब हम मरीज़ को स्टेप 4 में ये बता रहे थे कि वो अब अपनी प्लानिंग करेंगे, कि वो अपनी इन्वेंट्री बनाएंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम थे और उनको रेक्टिफाई कैसे करना है. अब वो स्टेप 4 में हमने बनाई, हमने उनकी फ़िज़िकल, उनकी सोशल लाइफ पे बात की, हमने उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे बात की, हमने उनकी स्पिरिचुअल लाइफ पे बात की. तो जब वो हमारी इन्वेंट्री बनी तो उसमें मोस्टली पास्ट के इवेंट्स थे और कुछ फ्यूचर की प्लानिंग थी. अब फिर हमने स्टेप 5 भी कर लिया, 6 भी कर लिया, होते होते हम 10 पे आए. तो यहाँ पे 12 स्टेप अब चूँकि ख़त्म हो रहे हैं, तो 12 स्टेप जो हैं वो डेफिनेटली अब यहाँ पर इन्वाइट करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, हम कोई दोबारा भी ऐसा ब्लंडर कर सकते हैं, हम पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं, एक रिलैप्सिंग इलनेस से हम सफ़र कर रहे हैं, हम दोबारा भी ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं, या हमारे चूँकि पास के जो बिहेवियर्स हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं. तो अब यहाँ 12 स्टेप में स्टेप जो 10 है वो डायरेक्टली ये कह रहा है कि आप अपनी रोज़ इन्वेंट्री बनाएंगे. देखिए ना, एक अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर एक दुकानदार है तो वो रोज़ अपनी लिस्ट बनाता है कि आज मैंने कितने चीज़ें सेल की हैं और मुझे कितना उसमें प्रॉफिट हुआ है या मेरी दिहाड़ी कितनी लगी है. इस तरह बैंक्स वाले ये कर रहे होते हैं, इस तरह बाकी बिजनेसेस में ये होता है. तो हम ये कैसे मान लें कि ज़िंदगी की दुकान तो हमने शुरू कर ली और हमने कभी ये बैठ के हिसाब ही नहीं किया कि आज दिन में मैंने कौन से काम ऐसे किए हैं जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते थे, आज दिन में मैंने कौन से ऐसे काम किए हैं जो मेरी फैमिली वैल्यूज़ को सूट नहीं करते थे, आज दिन में मैंने ऐसे कौन से काम किए हैं जो मेरी रिलीजियस और मेरी सोसाइटल वैल्यूज़ को सूट नहीं करते थे, उनको निगेट कर रहे थे. तो हम शाम को अगर बैठ के ये सोचना शुरू करें कि आज मैंने कौन से 10 काम ऐसे किए हैं जो मेरी माशरती, मेरी रिलीजियस और मेरी पर्सनल या फैमिली वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ थे, और कौन से ऐसे काम हैं जो मैंने ठीक किए हैं, और जो काम ठीक नहीं किए उन पे मैं अमेंडमेंट करूं। जैसे स्टेप 9 में कहा गया कि मैं कंटिन्यूसली अमेंडमेंट करता रहूंगा, तो स्टेप 10 में उसने कहा कि पहले उसने वादा ले लिया कि आप अमेंड करेंगे, हमने कहा जी करेंगे। अब उसने स्टेप 10 में कहा आप इन्वेंट्री बनाएं ऑन डेली बेसिस, क्योंकि रोज़ कौन से ऐसे काम हैं, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमारी ये खासियत है कि हम गलतियाँ करते हैं। जब और हमारा मरीज़ भी गलतियाँ करता है, तो सॉरी आपकी बात कर रही हूं, पर एरर मेकिंग इज एक्चुअली एनहांसिंग ग्रोथ। तो एरर्स नहीं होंगे तो वी कैन नॉट से कि लाइफ तो परफेक्ट है भी नहीं, ना इंसान। तो एरर्स इंसान की ग्रोथ को एनहांस कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो गलतियाँ हैं ये बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी में रंग भी भरती हैं। हम ये जो एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग्स करते हैं, तो उसमें हम एक पॉइंट रखते हैं कि आप गलतियाँ करेंगे, क्योंकि गलतियां करने से और फिर गलतियों से सीखने से और फिर गलतियों को दोबारा ना करने का एक अहद कर लेना ही हमें आगे बढ़ने की तरफ वो है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें होता है ना कि हमें प्रोग्रामिंग बड़ी गलत हो जाती है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि दाग तो अच्छे होते हैं, दाग अच्छे नहीं होते, दागों से सीखा हुआ सबक अच्छा होता है। अगर हम नशों की बात करें तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल तो बड़ा एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, बड़े अच्छे तरीके से ये जरासीम को ख़त्म करता है, लेकिन लोग उसको पीना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, अल्कोहल की टाइप्स हैं, डिफरेंट हैं, तो लेकिन मोस्टली इंसान जो है वह एथेनॉल की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ यह है कि रोज़ गलतियाँ होंगी, रोज़ अमेंडमेंट होगी। जब अमेंडमेंट होगी, जो गलती हुई है वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। अगर रिपीट हो भी जाती है तो स्टेप 10 ने जो सेकंड पार्ट आप बोल रही थी, उसमें यह था कि प्रॉम्प्टली एडमिटिंग व्हेन वी आर रॉन्ग। यानी एक तरफ इन्वेंट्री बनाते रहेंगे, और जहीं हमें ये लगेगा कि हम गलत काम कर चुके हैं, उसी वक्त हम उसको एडमिट कर लेंगे। अब एडमिट करने के लिए पहले एक स्टेप में कहीं आपने बात की थी कि आप किसी दूसरे इंसान को भी अपने साथ रखेंगे, और खुदा को भी रखेंगे, और अपने आप को भी रखेंगे। तो आप फौरन एडमिट करते हैं अपने सिग्निफिकेंट अदर के सामने कि मुझसे ये गलती हुई है। जैसे हमारे मरीज ने फर्ज करें किसी दोस्तों में बैठा है और उसने स्मोकिंग कर ली है, तो वो फौरन जाके अपनी फैमिली के सामने जाके एडमिट कर लेंगे कि मुझसे आज ये गलती हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम गलतियां कर रहे हैं और उनसे कुछ सीख नहीं रहे, तो मेरे ख्याल में उन गलतियों का हमें सिर्फ नुकसान हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में नुकसान बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे हमें ग्रोथ हमारी इन्हांस होनी चाहिए और हमें कुछ सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो रुक जाता है वो प्रोसेस, जब हम उन गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। अच्छा, इसमें सॉरी मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ और भी बात के मोस्टली हमारी ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ हमारे पेशेंट ही देखते, बाज़ दफ़ा वो प्रोफेशनल्स भी देखते हैं जो नशे के इलाज से वाबस्ता हैं। तो चाहे वो वाबस्ता नहीं भी हों और कोई भी प्रोफेशनल हो, उनको अपनी पर्सनल इन्वेंट्री बनाते रहना चाहिए। और मैं यहाँ डेफिनेटली कोट करूँगा कि जो एडिक्शन ट्रीटमेंट में बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ होता है, उसको हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी ऑडियंस है, फ़र्ज़ करें उनमें कोई भी इंसान है, और वो आज ये बैठ के सोचते हैं कि ज़िंदगी में 5 लेवल पे उन्होंने क्या काम किए हैं आज के दिन में। मिसाल के तौर पे उन्होंने आज ऐसा कौन सा काम किया है जिससे उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो। फिज़िकल हेल्थ के लिए क्या उन्होंने कोई वॉक की, कोई एक्सरसाइज की, कोई स्ट्रेचिंग की। मेंटल हेल्थ के लिए उन्होंने कुछ मटीरियल पढ़ा, कोई अच्छी वीडियो देखी, कोई अच्छा गाना सुना, कोई अच्छी किताब पढ़ी, कोई तलावत की, जो भी उनको मेंटल सूट करता है वो कर। दूसरे नंबर पे वो शाम को ये बैठ के सोचेंगे कि आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया है जो प्रो फैमिली है, जो उनके लव्ड वन के लिए बेहतर है। क्या आज उन्होंने अपने वालिद को चाहे एक छोटा सा बाल पॉइंट भी गिफ्ट किया है, क्या उन्हें अपनी वालदा को कोई भी छोटी सी चीज़ गिफ्ट की है, किसी बहन भाई की सालगिरह याद रख लेना, या उनको सिंपल से एक अच्छा मैसेज कर देना। और अगर अभी तक नहीं किया तो आज भी अभी मैसेज कर सकते हैं। अब अपने पेरेंट्स को मैसेज कर सकते हैं, सिबलिंग्स को मैसेज कर सकते हैं कि आप उन्हें कितना मिस करते हैं ज़िंदगी में। तीसरे नंबर पे आप इन्वेंट्री बनाएंगे कि क्या आपके दोस्तों की लिस्ट में कामयाब दोस्त शामिल हैं या ऐसे दोस्त हैं जो नाकाम हैं ज़िंदगी में। क्योंकि जब आपके दोस्त कामयाब होते हैं तो आप भी कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। हमेशा दोस्ती अपने से बड़े आदमी से बनानी चाहिए, जो आपसे एक स्टेप तरक्की याफ्ता हो, जो एक स्टेप जिसकी आमदनी ज़्यादा हो, जो एक स्टेप सोसाइटी में अगले उसमें हो। और फिर आप अपने प्रोफेशनली देखते हैं कि आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में और यहाँ प्रोफेशनल जो एरिना है आपका उसमें कितना एक्सपेंड कर रहे हैं। और फिर साथ आप देखते हैं कि आज आपने कौन सा ऐसा काम किया है जो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए था, कि आपने कोई नमाज पढ़ी, कि आपने कोई अच्छा एक्ट किया दूसरे इंसानों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। तो जब ये आप अपनी पर्सनल इन्वेंट्री भी बनाते रहते हैं और जहाँ भी गलती होती, क्योंकि ये बड़ा मैजिकल है स्टेप 10, जब आप अपनी इन्वेंट्री बनाते रहते हैं, अपनी गलतियों को सामने रखते हैं, तो आपको अमेंड करने में बड़ी आसानी होती है और प्रॉम्प्टली एडमिट करने में बड़ी आसानी होती है। क्योंकि जब आपको पता है कि आज मैंने इतनी गलतियां हैं, कल मैंने ये गलतियां नहीं करनी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी गलतियां करने की जो कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है और अच्छाइयाँ फैलाने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो इन्वेंट्री अपनी बनाते रहना चाहिए, चाहे आप नशे के मरीज़ हैं नहीं हैं। इन्वेंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। Very well said. Moving on, I want to just know कि क्या is it necessary to update and review the inventory? हाँ, मतलब उसमें exactly ये जो for once we can make it and keep it and follow it, or we need to update it and it's necessary to update it. हाँ, अपडेट करने का मतलब यह है कि जो हम पहले गलतियाँ करते आ रहे हैं, कहीं वही गलतियाँ तो नहीं रिपीट करते आ रहे। Okay. आप घर लेट जाते थे, जब फर्ज करें हमारा मरीज है तो वो जब वो नशा कर रहे होते हैं तो वो घर लेट जाते हैं, या एक प्रोफेशनल है वैसी और वो ऑफिस से निकलता है और बाहर जाके किसी दोस्तों में गप लगाता है और सिगरेट पीता है और लेट घर जाता है। अब उसने आज अमेंड किया अपने आप को, उसने कहा कि नहीं, मुझे सारा दिन तो मैं ऑफिस वालों के साथ होता हूँ, शाम को मैं घर वालों के साथ हूँगा। और अब आपने कंटिन्यूसली अपडेट करने का मतलब यह है कि क्योंकि हम भूल जाते हैं, इंसानों को भूलने की बड़ी आदत है, हम अपने बुरे एक्ट बड़ी जल्दी भूलते हैं और अगर हमने किसी के साथ अच्छा एक्ट किया हुआ है तो उसको हम बहुत याद रखते हैं। हम ये याद रखते हैं कि आपके साथ मैंने आपकी फ़लाँ टाइम पे बहुत अच्छा काम किया, आपकी मदद की, या मैंने आपकी हेल्प की फ़लाँ जगह पे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आपको मैंने फ़लाँ टाइम आप पे साथ रूट भी तो हुआ था, वो हम भूल जाते हैं। तो जो कंटिन्यूसली अपडेट करने का यहाँ पर्पस है वो ये है कि हमारे मरीज़ जो है ख़ास तौर पर उनकी यादाश्त का बड़ा मसला होता है, उनको वो फ़ौरन भूल जाते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की थी। और यहाँ अपडेट करने का मतलब यह है कि आप कंटिन्यूसली अपनी उस लिस्ट को जिसके अंदर आपने अपनी गलतियाँ और अच्छाइयाँ दोनों रखी हुई हैं, उन दोनों पलड़ों को आप तोलते रहते हैं। जैसे ना मतलब मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था तो उसमें कहते हैं कि आप सपोज करें कि आपके जिस्म के अंदर 2 किस्म के भेड़िए हैं और आप एक भेड़िए को खुराक डालते रहते हैं और वो नेगेटिव भेड़िया है। एक भेड़िया है जो आप लेट्स से पॉजिटिव थॉट्स का भेड़िया है। तो आप उसने कहा कि जिसको आप जितनी फीडिंग करेंगे उतना ही वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्यों ना हमारे अंदर जो नेगेटिविटी पलने वाला जो जानवर है उसको हम फीड करें ना, और हम जो पॉजिटिविटी वाला जो हमारा एलिमेंट है उसको हम ज़्यादा दें। जब आप ज़्यादा अच्छाई फैलाते हैं तो आप खुद अच्छे हो रहे होते हैं, जब आप बुराई की बातें करते हैं तो सबसे पहले आप बुरे हो रहे होते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूसली अपडेट करने का ये भी पर्पस होता है कि हमें पता चले कि हमारी अच्छाइयाँ कहाँ हैं और हमारी बुराइयाँ कहाँ पे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके एज़ यूजुअल, और मुझे यकीन है कि हमारे स्टेप 10 के बारे में ऑडियंस को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा आज के, कैसे स्टेप 4 में अगर फियरलेस इन्वेंट्री बनाने की, मॉरल इन्वेंट्री की बात की गई थी, तो स्टेप 10 में कतई ये बात नहीं की गई कि आप दोबारा वही इन्वेंट्री बना रहे हैं या ये रिपीट हो रहा है। इसमें एक नया एलिमेंट है कि आप उस इन्वेंट्री को अपडेट कर रहे हैं विद टाइम, क्योंकि अपडेट करने से आप अपने प्रीवियस एरर्स के ऊपर और प्रेजेंट एरर्स के ऊपर देख के नज़र डाल रहे होते हैं कि क्या मैं अपने प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स को रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं उन बिहेवियर्स को रिपीट कर रहा हूँ तो दैट मोमेंट आई नीड टू रियलाइज कि नाउ आई नीड टू ब्रिंग अ चेंज बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्रिंग द पास्ट बिहेवियर्स बैक। So yes, it is very obvious and very good to update your inventory when possible. That means keep an eye and track of your inventory as well. Well said by Dr. Talat that it's not obvious that you are a drug addict or you are some person who is using any substance. It is for anyone who is making an inventory and following their lives on inventory. You need to keep a check on inventory that whether the inventory is helping you or you are just doing it out of habit. So closing the step 10. over here, I need to just end this on the note that please keep a vigilant eye on your lives, that what are you actually doing. Are you repeating something that was present in your past, or you are doing something better now in your present? That is going to help you for your future. We will just be back in the next video with step number 11, and hopefully until then you all take care and stay safe. Thank you.